प्रदेश भर में हो रही साइबर ठगी को रोकने के लिए मुरादाबाद के पुलिस लाइन में साइबर एक्सपर्ट की टीम द्वारा एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। सितंबर 2020 को पुलिस लाइन कंपाउंड में एसपी सिटी के निर्देशन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक कर्मचारियों को यह जानकारी दी गई कि बैंक, बीमा कंपनी, टेलीकॉम कंपनी आदि के नाम पर आने वाले फोन कॉल पर कोई भी जानकारी न दे। कोई भी बैंक फोन करके नहीं पूछता, लकी ड्रॉ, स्टेट बैंक, रिकवरी कॉइन, सस्ते लोन, नौकरी लगवाना, मोबाइल टावर आदि सभी के बारे में कोई भी ईमेल आईडी के जरिए जानकारी ना दे। एसपी सिटी मुरादाबाद अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता से भी अपील है कि इन सब बातों में ध्यान रखें कि आपके पास आने वाले फोन कॉल साइबर ठगों के हो सकते हैं और वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा सतर्कता करके आप अपने रुपए और पैसों को बचा सकते हैं जो आपके अथक मेहनत करके कमाई गई है। बैठक में शहर भर के लगभग 150 से 200 लोग उपस्थित थे। बैठक की खास बात ये रही कि कोरोना काल में सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग जरूरी है। वहीं बैठक में आने वालों के लिए मात्र 4 गिलास स्टील के ही पानी पीने के लिए रखे गए थे। अब इस बैठक के आयोजकों से पूछा जाए कि 200 लोग पानी पीने के लिए मात्र 4 ही गिलास क्यों? कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस को हम इसी तरह से मात दे सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र के सभी प्रतिनिधियों को यहाँ पे बुलाया गया था और जो साइबर क्राइम के विरुद्ध इन सभी को जागरूक किया गया तथा इन सभी से उनको ट्रेनिंग भी दी गई और किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं, किस किस तरीके से जो साइबर अपराधी होता है आपको फ़ोन पर बेवकूफ़ बना के आपका पैसा ठग लेता है, इन सब के बारे में जानकारी दी और इन सबको पैम्फलेट भी दिए गए हैं कि ये जब अपने स्थानों पे जाएंगे तो अपने एरिया में ये सभी को जागरूक करेंगे। हर हफ्ते में 2 बार ये अपने यहाँ पे कैंप लगाते हैं, आसपास के जितने भी नागरिक हैं उनको जागरूक करेंगे और साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो मुरादाबाद पुलिस की मुहिम है उसे सफल बनाएंगे। सर, आम जनता से भी कोई अपील है? इसमें आम जनता से यह अपील है कि साइबर अपराधी आप ही के इमोशंस को यूज़ करके आपके विरुद्ध अपराध करता है, तो कोई भी अगर ऐसा मैसेज आता है जिसमें बहुत लुभावना हो कि कुछ समय में आपका पैसा धन डबल कर देंगे या आप इतना इन्वेस्ट करिए 4 गुना 5 गुना कर देंगे या हमारे अकाउंट में आप 10,000 दीजिए हम आपको 1,00,000 रुपये रिटर्न करेंगे, ऐसी कोई भी स्कीम जो आपको बताता है उसमें निश्चित ही कोई फ्रॉड है। किसी भी को भी अपना OTP ना बताए जो आप मोबाइल पे रिसीव करते हैं, किसी को भी अपनी निजी जानकारी ना दे, ATM डेबिट कार्ड की कोई जानकारी ना, तो ये सब अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे तो हम साइबर अपराध होने को प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर किसी के साथ अगर घटित हो जाता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचना देंगे त्वरित कार्रवाई होगी और आपके साथ जो ठगा हुआ धन है उसे वापस कराने की प्रयास किया जाएगा। इस साल अभी तक लगभग मुरादाबाद पुलिस की साइबर टीम द्वारा 10.5 लाख रुपये लोगों के रिटर्न कराए गए जो ठगी हुई थी।